गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ रहे थे अपनी फिफ्थ सेमेस्टर को बीएससी का। बीएससी कौन सा सेमेस्टर आपका? ये फिफ्थ सेमेस्टर की आज क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपका मैं यूनिट नंबर कौन सी करवा रहा था आपकी? यूनिट नंबर सेकेंड करवा रहा था आपके पार्ट बी की, है ना। पार्ट बी की आपकी जो यूनिट चल रही थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एंजेम्बल्स करवा रहा था मैं आपको, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन क्लास मैंने करवा दी थी कि एंजेम्बल क्या होते हैं, और आपका मैंने क्या करवाया था, टाइप्स ऑफ एंजेम्बल भी करवा दिए थे, जहां पर कैनोनिकल एंजेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एंजेम्बल और माइक्रो कैनोनिकल एंजेम्बल करवाया था। आज जो आपका टॉपिक है वो है बोल्ट्जमैन रिलेशन, बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। हालांकि मैं आपको ये दोनों थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बता चुका हूं, ये क्या है आपके लिए जो नई टर्म है वो क्या है, एंट्रोपी। तो पढ़ते हैं कि एंट्रोपी आपका होता क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी आपका है, इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, और हम इसको बोल सकते हैं रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है कि आपकी एंट्रोपी क्या होती है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता, रिवीजन के लिए बता देता हूं आपको। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आपकी होती है क्या, इट इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन मैक्रो स्टेट्स, ठीक है। सो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आपकी होती है, इट इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट। और एंट्रोपी आपकी क्या होती है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रोपी और ये आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज रैंडमनेस के बारे में बात करती है एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। बोल्ट्जमैन हमारा आया, बोल्ट्जमैन ने हमको क्या बताया, बोल्ट्जमैन ने हमको ये बताया कि जब भी ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में होती है, जब भी आपका कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो आपकी एंट्रोपी होती है और जो आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। वो मैक्सिमम हो जाती है, फिर जब वो मैक्सिमम हो जाती है तो वहां से वो एक रिलेशन निकाल कर लाया हमारे पास। वो क्या रिलेशन निकाल कर लाया, इसे नोट करो। जो रिलेशन निकल कर आया वो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखना, यहां से लिखना शुरू करना है अब आपको। इन इक्विलिब्रियम बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आर मैक्सिमम, ठीक है। बोल्ट्जमैन states that
एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एंड इज गिवन एज, किस तरीके से लिख सकते हो आप, एस इक्वल्स टू फंक्शन है तो एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये आपका बोल्ट्जमैन ने हमको बताया, ठीक है, बोल्ट्जमैन ने हमको ये चीज बताई, ठीक है। अभी इसको हम बोल्ट्जमैन ने क्या करा, इसको फर्दर और मॉडिफिकेशन करा, इसमें इसी चीज में और फर्दर मॉडिफिकेशन करा, कैसे, अलग अलग सिस्टम्स ले लिए। अब अलग अलग सिस्टम्स लिए तो उन दोनों की एंट्रोपी को कंपैरिजन किया, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंपैरिजन किया, और फिर उनमें जब उन दोनों का कंपैरिजन करके एक कॉम्बिनेशन निकाला गया तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म निकल कर आ गई इसी चीज की, एक जनरल फॉर्म निकल कर आ गई। हमको ये तो पता लग गया कि फंक्शन है, लेकिन किस तरीके से फंक्शन है, मतलब भाई आपका होता है ना कि फंक्शन तो ये भी होगा कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का फंक्शन तो भी है, अब भी एक्स का फंक्शन ही है, अब भी एक्स का फंक्शन है, तो ये किस तरीके से फंक्शन है, अभी हमारे पास ये चीज नहीं है ये, तो वो चीज हम निकालेंगे कि किस तरीके से ये आपका जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, ठीक है। इसको नोट करो पहले, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेना। अब देखना, अब आप समझना जरा, अब हमने क्या करें, दो सिस्टम्स को कंसीडर करेंगे सबसे पहले। तो लिखो, लेट अस कंसीडर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स S1 एंड S2, दो अलग अलग सिस्टम्स को मैंने लेट कर लिया, एक आपका S1 है, एक आपका S2 है, ठीक है। ये उनकी क्या है, एंट्रोपी है, S1 S2 तो आपकी एंट्रोपी है, तो एक काम करेंगे सिस्टम को 1 एंड 2 सिंपल लेट कर लो, क्योंकि S से आप यहां पर एंट्रोपी रिप्रेजेंट करो तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। सो टू सिस्टम 1 एंड 2 हैविंग एंट्रोपी S1 एंड S2, ठीक है, क्या एंट्रोपी है, S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली। अब द एंट्रोपी S ऑफ द टू सिस्टम्स when taken together, अब जब हमने उनको एक साथ ले लिया तब हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो जो नेट एंट्रोपी है वो होगी दोनों एंट्रोपीज का सम। इसको आप टू इक्वेशन लेट कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई अब हमने क्या करा, दो अलग अलग सिस्टम्स लिए, भाई एक सिस्टम की एंट्रोपी S1 है, दूसरे की एंट्रोपी S2 है, तो जब हम उन दोनों सिस्टम्स को एक साथ लिया तो दोनों की एंट्रोपी जो कंबाइन कर आ रही है वो कैसे आ रही है, पहले वाले सिस्टम की एंट्रोपी प्लस दूसरे वाले सिस्टम की एंट्रोपी, दोनों का सम कर दिया और मेरे पास नेट एंट्रोपी निकल कर आ गई दोनों सिस्टम्स की, ठीक है। उसको मैंने सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। सिमिलरली मैं अब क्या करूंगा, अब मैं प्रोबेबिलिटी, अगर अब ये तो मैंने एंट्रोपी ले ली, अब मेरे को थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लेनी, तो मैं किस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को लूंगा, ठीक है। अब वो देखना, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है। अब देखना, इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, लेट ओमेगा वन एंड ओमेगा टू बी द थर्मो
डायनामिक प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिस्टम्स वन एंड टू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो द कंपोजिट, ये कंबाइन बोल लो, सो द कंपोजिट थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा ऑफ द टू सिस्टम इज गिवन एज। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी को जब आप कंबाइन करके लिखते हो ना तो आप प्लस नहीं लगाते, आप प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, यहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन आता है। ठीक है, जब आप दो, जब वो दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हो, ये आपने पढ़ा भी होगा, जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं और आप कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बीच में जो साइन आता है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है। ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हुए भी याद रखनी है कि अगर दो आप इंडिपेंडेंट, कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ले रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल, तो आप पहले वाले के कॉइन के अकॉर्डिंग और दूसरे वाले कॉइन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, पहले सुन लो, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, जब एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, या तो एक टॉस उछल रहा है और एक कॉइन आ रहा है, मतलब एक टॉस उछल रहा है एक जगह पर और दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, डाइस थ्रो हो रहा है, तो ऐसा जो दोनों चीजें होंगी ना वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी कि भाई अगर मान लो हेड आएगा तभी सिक्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना, कुछ भी किसी पे भी आ सकता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा एग्जांपल। ठीक है, तो जब भी इंडिपेंडेंट आपके पास कुछ भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है या फिर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ शो की जाती है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री लेट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री लेट कर लेंगे अब। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन थ्री को मैं क्या यूज करूंगा, अब समझना। पहले मैं आपको तीनों जो मैंने क्वेश्चन आई है मेरे पास उन तीनों को आपके लिए लिख देता हूं तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन आपकी क्या थी, पहली क्वेश्चन आपकी थी क्या, s इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, s इक्वल्स टू s1 प्लस s2, और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी, इनटू ओमेगा 2, यही आपकी क्या थी, थर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं इसको इसमें यूज करूं, यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन, अगर मैं इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन में यूज करूं, यानी तो ये कंबाइन करके लिख रखी है, तो यानी मैं यहां पर कंबाइन तरीके से लिख दूं, यानी एस इक्वल्स टू एफ ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू, ये मेरे पास आ गई क्या, मेरी इक्वेशन नंबर फोर, क्या आ गई मेरे पास, मेरी इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, अब फ्रॉम, अब मैं इक्वेशन नंबर वन अगर मैं ले लूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप कंपैरिजन करो तो आपकी एस वन की वैल्यू क्या आएगी, आपके एस वन की वैल्यू क्या आएगी, एस वन की वैल्यू आपकी आ जाएगी एफ ओमेगा वन, इसको इक्वेशन नंबर फाइव लेट कर लो, और S2 की वैल्यू क्या रहेगी, F ओमेगा 2, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 6 हो गई। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। अब क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, पहले इसको नोट करो, उसके बाद क्या करेंगे, इस 4, 5, 6 का हम यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 का यूज करेंगे, और देखो मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई, मेरे पास S2 की वैल्यू आ गई और मेरे पास S की वैल्यू भी आ गई, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहां पुट करूंगा और इस वैल्यू को उठाकर इधर पुट करूंगा। ठीक है, मैं इसका, इसका और इसका और इसका, इन चार इक्वेशंस का यूज करूंगा, यानी मैं S1 की वैल्यू पुट करूंगा, S2 की वैल्यू पुट करूंगा और S की वैल्यू पुट करूंगा। चलो करते हैं, इससे पहले आप लिख भी देना क्या, यूजिंग इक्वेशन 4, 5, 6 इन इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 4, 5 एंड 6 in
इक्वेशन टू वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, एफ ओमेगा वन ओमेगा टू बराबर एफ ओमेगा वन प्लस एफ ओमेगा टू, ये मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास इधर ओमेगा वन है, इधर मेरे पास मेरा ओमेगा टू है, मतलब दो मेरे पास दो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है अलग अलग सिस्टम्स की, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक बार ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई, ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये वाला एक बार जीरो हो जाएगा, एक बार ये वाला जीरो हो जाएगा, तो बारी बारी दोनों को कैंसिल कर देते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग कौन सी इक्वेशन सेवन, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेवन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा वन, विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा वन वी गेट, ठीक है। अब देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है आप किस तरीके से करते हैं भाई, मल्टीप्लाई है, तो जब मैं ओमेगा टू का करूंगा तो वो ओमेगा टू जीरो हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा वन बचेगा, है ना, यानी आपका ये जो बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है, ये तो इस पूरे का हो गया। अब जब मैं अंदर करूंगा इसका, पहले क्या करते हैं पूरे फंक्शन का करते हैं, फंक्शन का करा तो एफ डैश आ गया, अब एफ डैश आ गया तो ओमेगा वन ओमेगा टू, और जब मैं अंदर जाके करूंगा, अंदर इसका करूंगा तो सिर्फ बचेगा क्या ओमेगा वन, कैसे एक बार हल्का सा मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, देखो जब मैं ओमेगा वन और ओमेगा टू का डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, जब मैं ओमेगा वन और ओमेगा टू का करूंगा तो कैसे होगा भाई, पहले वाले को छोड़ दूंगा, दूसरे वाले का करूंगा ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दूंगा पहले वाले का करूंगा, है ना, तो देखो जब मैं इसका इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो जीरो हो जाएगा, है ना भाई, इसके लिए कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका ओमेगा टू आएगा, ठीक है, यहां पर आपका ओमेगा टू आएगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो गया, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टू आएगा आपका, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो भाई एक बार आपको बता देता हूं, जब हमारे पास देखो इस टाइप की कंडीशन होती है, लॉग एक्स स्क्वायर इस टाइप से होता है हमारे पास, और जब मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन करता हूं तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं पूरे लॉग का करता हूं, इसको एक क्वांटिटी मान लेता हूं, जैसे लॉग जेड मान लिया, इसको मैं लेट कर लेता हूं क्या लॉग जेड, तो पहले मैं डिफरेंशिएशन करूंगा सिर्फ लॉग का जो कि 1 अपॉन जेड हो जाएगा, फिर मैं इस एक्स स्क्वायर का भी करता हूं मल्टीप्लाई का साइन लगाकर जो कि 2x हो जाता है, ठीक है, यही तो आता है इसका रिजल्ट, तो इसी तरीके से भी मैंने पहले एक बार पूरे फंक्शन का करा, तो पूरे फंक्शन मुझे नहीं पता किस टाइप का मेरा फंक्शन है, तो मैंने एफ डैश लगा दिया, ये रिप्रेजेंट करा है कि मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, फिर मैं अंदर वाली क्वांटिटी का करूंगा, अंदर वाली क्वांटिटी का जब मैं करूंगा तो वो मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ओमेगा टू का करूंगा ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ओमेगा वन बाई डी ओमेगा वन बाई डी ओमेगा वन वन, तो बचेगा क्या ओमेगा टू, तो ओमेगा टू मेरा यहां पर आ गया, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब देखना तो इक्वल्स टू, और जब मैं इसका करूंगा किसका ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा एफ डैश ओमेगा वन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर एट लेट कर लो, ठीक है, ये तो मेरी हो गई क्या जब मैंने ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में करा, अब मैं ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इसको, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेवन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा टू, तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा वन इक्वल्स टू एफ डैश ओमेगा टू, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी नाइन, क्या होगी क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है, अब इसको नोट कर लो, ये बच्चों चलो अब आगे देखना, अब मैं क्या करता हूं, अब इधर भी देखो मेरे पास एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू है, इधर भी एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू है, इन दोनों को कैंसिल करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, इनको डिवाइड करवा देता हूं मैं आपस में, ठीक है, सो मैं इनको डिवाइड करवा देता हूं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन एट बाय नाइन वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा डिवाइड करवाते ही,
डिवाइड करवाते देखना एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू, ओमेगा वन ओमेगा टू और ओमेगा टू बाय एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा वन और एफ डैश ओमेगा वन एफ डैश ओमेगा टू। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा क्या, ओमेगा टू बाय ओमेगा वन बराबर एफ डैश ओमेगा वन बाय एफ डैश ओमेगा टू, यानी आपका ओमेगा वन, आपका ओमेगा वन एफ डैश ओमेगा वन जो है वो किसके बराबर आ रहा होगा, ओमेगा टू एफ डैश ओमेगा टू के आ रहा होगा, है ना। और ये पक्का भाई ये आपका क्या है, आपने जो आपका फंक्शन आया उसका डिफरेंशिएशन करा फिर ओमेगा वन से, मतलब ओमेगा वन से आप इसकी मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जो भी प्रोबेबिलिटीज करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको किसी कॉन्स्टेंट के बराबर ही तो आएगा। तो लेट कर लो ये आपका कोई कॉन्स्टेंट है के, ये आपका कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी उस के कॉन्स्टेंट के बराबर आ रही है, इस वैल्यू की क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों उस के कॉन्स्टेंट के बराबर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इसके इक्वल रख के देख लूंगा इसके को और एक बार इसके इक्वल रख के देख लूंगा के को, ठीक है। तो कैसे रख के देख करेंगे वो देखना आप, सबसे पहले इसको नोट करो, ठीक है। पहले मैं इस पार्ट को लूंगा, यानी 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 मैं ले लूंगा क्या, ओमेगा वन एफ डैश ओमेगा वन के के बराबर, के के बराबर। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, एफ डैश ओमेगा वन क्या आ जाएगा, के बाय ओमेगा वन। अब देखो यहां पर एफ डैश है, मुझे ये डैश हटाना है, ये डैश क्या है, डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है और डिफरेंशिएशन को खत्म क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूंगा और किसके रेस्पेक्ट में लूंगा, ओमेगा वन के। सो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोथ sides with respect to omega 1 we get, हमको क्या मिल जाएगा, समझना हमको क्या मिलेगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे यानी इंटीग्रेशन f dash omega 1 और omega 1 के ही रेस्पेक्ट में आप करवा रहे हैं, k बाहर आएगा 1 by omega 1 और आपका d omega 1, ये आपका सिंपल बन जाएगा f omega 1 और ये आपका k और 1 by omega 1 डिफरेंशिएशन, भाई आपका इंटीग्रेशन होता है 1 by x dx का क्या होता है, ये होता है आपका log x, ये इसी की फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा log omega 1 और प्लस आपका कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो c1 कांस्टेंट आ गया, ठीक है, c1 कांस्टेंट आ गया, ये आपकी क्या आ गई, ये आपके आ जाएगी देखो 10th इक्वेशन, ये आपकी आ जाएगी 10th इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई 10th इक्वेशन। अब सिमिलरली मैं दूसरा पार्ट ले लेता, यानी मैं इसको ओमेगा 2 कर लेता, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो यहां पर मुझे फिर क्या लेट करना होता, ओमेगा 2 को k के बराबर लेट करना पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाती, फिर मैं इंटीग्रेशन करवाता ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करवाता, ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में। तो तब मेरा जो चेंज आता वो बस कितना आता, तो वो ये चेंज आता, कॉन्स्टेंट मेरा मान लो तब सी टू आता, इक्वेशन मेरी बनती 11। तो जब आप 11 और 10 को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट वो बराबर ही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, बस ये कॉन्स्टेंट का फर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट का फर्क आ रहा है। सो आप लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो आप, देखो ऑन कंपेयरिंग On comparing equation 10 and 11, we can write its form in general as, किस तरीके से लिख सकते हो आप, अब आप F omega ओमेगा वन ओमेगा टू छोड़ के सिर्फ ओमेगा लिखो, के लॉग ओमेगा प्लस
सी मान सकते हो। और आपकी इक्वेशन नंबर वन क्या थी, याद करो इक्वेशन नंबर वन क्या थी भैया, आपकी इक्वेशन नंबर वन क्या थी, वी हैव, क्या है आपकी इक्वेशन नंबर वन, एस इक्वल्स टू एफ ओमेगा। सो जब आप इसको यहां पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एस इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा प्लस सी। अब मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब मुझे सी की वैल्यू भी चाहिए होगी कि सी की वैल्यू क्या होगी, और इसकी सी की वैल्यू मैं कब निकाल सकता हूँ, जब ये दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर होंगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू मेरी कब होती है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मेरी इसकी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज होती है, और एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, एब्सोल्यूट जीरो पे आपकी एंट्रोपी जो होती है वो जीरो होती है, और आपकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी वन होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, वन होती है। सो इसको नोट करो, नोट करो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एस जो होता है वो आपका जीरो होता है, एंड ओमेगा जो होता है वो आपका वन होता है। ये आपकी बनगी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देन इक्वेशन 12 विल बिकम, पुट करो ये जीरो इक्वल्स टू के लॉग वन प्लस सी, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा, मान लो इस 13 वैल्यू को पुट करेंगे, जब मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को अब इस 12 में पुट करूंगा, यानी यहां पर मैं पुट करूंगा, तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ इतना वैल्यू बचेगा। तो ये मेरे पास मेरा बोल्ट्जमैन का फाइनल रिजल्ट आया, जो उसने रिलेशन बताया था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में। इसको अच्छे से एक बार इसको अच्छे से लिख दो, क्या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम 13 इन 12 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, एंट्रोपी जो होती है वो आपका के लॉग ओमेगा के बराबर होती है, ठीक है। ये आपका एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात होगी, ठीक है। और ये जो फंक्शन आपका था ना, वो फंक्शन लॉग का फंक्शन था, ठीक है। ये जो आपको बार बार फंक्शन शो किया गया था वो लॉग का फंक्शन था, और के आपका क्या है, के आपका कॉन्स्टेंट है, के आपका कॉन्स्टेंट है, एस आपकी एंट्रोपी है, ओमेगा आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो चीजें बची हुई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।